कहीं और लगी है, धुआं जो है कहीं और से निकल रहा है। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि अगर धुआं कहीं और से निकल रहा है, आग कहीं और लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है वहां पे। मैं फिर चाहूं मिश्रा जी, क्यों वेलकम करूं? आप फैक्ट्स पर आइएगा तो बात कीजिएगा मिश्रा जी। तो फैक्ट्स क्या है बताइए तो सही, क्या फैक्ट्स है? केजरीवाल की टीम ये बोल रही है, एक क्वेश्चन ये लोग उठा रहे हैं कि भाई सत्येन जी के यहाँ क्या मिला। तो उसका मैं जवाब दूं कि जो फाइनेंशियल क्राइम होता है बाई नेचर देखा जाए तो उसमें पूरी एक चैन होती है। तो जब जांच चलती है तो पहले पेरीफेरी के दूसरे लोग पकड़े जाते हैं, छोटे लोग जो एसोसिएटेड हो सकते हैं उसमें। अगर नॉर्मल क्राइम जो होते हैं जैसे मर्डर वगैरह, चोरी वगैरह के, उसको तो एक अकेला आदमी भी कर लेता है। फाइनेंशियल क्राइम का ये नेचर होता है कि उसमें पूरी एक लॉबी होती है, पूरी एक चैन होती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अभी उनके यहाँ नहीं मिला, लेकिन ऐसे क्लूज मिल रहे हैं कि उनसे रिलेटेड लोगों के यहाँ मिला। वो जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, अगर जस्टिफाई कर दिया तो सही है, जस्टिफाई नहीं किया तो वो जांच आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप पे या लास्ट स्टेप पे जो भी मेन अक्यूज्ड हो उनके खिलाफ ये चीज प्रूफ हो, और मेन अक्यूज्ड ना हो अगर सह अभियुक्त भी बनते हैं तो भी ये एक क्राइम का विषय है। रही बात दूसरी चीज, देखिए अगर आम आदमी पार्टी, ठीक है वो अपनी ईमानदारी को बहुत सारी चीज आप खुद ही तगमे दे रहे हैं, खुद ही पोस्टर दे लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो चीजें हैं। जो ये बार बार टाइमिंग की बात करते हैं, जांच वगैरह करप्शन के खिलाफ अपनी एजेंसियां हैं वो फ्री मोड में काम करती रहती हैं। अब इन्होंने खुद ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, तो आपने क्यों हटा दिया? आपको पता नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में? चलिए आपने हटाया, अच्छा किया। तो ऐसे ही ईडी वगैरह भी स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम कर रही है, ऐसा टाइमिंग का कुछ नहीं देखा जाता है या कोई मुहूर्त देख करके नहीं होता है कि भाई इस मुहूर्त पे हम ये जांच शुरू करेंगे। एक मैच्योरिटी पे जब जांच पहुंचता है तो पब्लिक डोमेन वगैरह में आने लगते हैं। इसके पहले तो इतनी चर्चा नहीं हुई थी कभी भी, इलेक्शंस तो बहुत सारे हुए थे। और रही बात अगर ईमानदारी की रही, तो ईमानदारी का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि पूरी पार्टी जो है अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी नहीं है, तो उसमें इतनी बहस करने की, लॉजिक देने की, आकर के सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? कल वो बरी हो ही जाएंगे, जब बरी हो जाएंगे। एक चीज आपसे और पूछती हूँ, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। आप बार बार ईमानदारी के कसीदे पढ़ते हैं, आपको अधिकार है तो वेलकम कर देना चाहिए था, इतनी बात ही नहीं खींचती। मैं एक चीज आपसे और पूछती हूँ, शायद जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा ज्यादा बौखलाई हुई है। बार बार जब से सत्येंद्र जैन जी का नाम आया है और अब 9 जून तक की कस्टडी है, हर दिन पीसी होती है, और फिर हम तो कश्मीर को लेकर भी चिंता देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधा सेंटर को अटैक कर रहे हैं अलग तरीके से। ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, आप इस पर जरा हाँ एक बार बताइए। बात केवल कश्मीर की ही नहीं है, अभी डिबेट में ही शायद आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल की भी बातें कर रहे थे कि भारत के साथ क्या हो रहा है। अरे इंटरनेशनल और कश्मीर की बातें आप यूपी में जहां हो नहीं वहां की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश की बात भी करोगे जहां पे कोई वजूद नहीं है, बंगाल की भी आप बात करोगे, जहां तक आप लिमिटेड है और केस, ये डिबेट केस तक है, तो आप केवल केस की बात करिए। रही बात इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस केस में सत्येंद्र जी जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़े मुखिया है, एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, पार्टी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये अब सत्येंद्र जी के बाद कौन होगा, आप मुझे ये बताइए। पार्टी में देखिए अगर कोई गलती हो गई है, मान लीजिए इन्होंने कोई अपराध कर दिया है, तो डेफिनेटली उसके तार जो ऊपर के दो मुखिया है उनसे भी जुड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बौखलाहट, मतलब आग कहीं और लगी है, धुआं जो है कहीं और से निकल रहा है। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि अगर धुआं कहीं और से निकल रहा है, आग कहीं और लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है वहां पे। मैं फिर चाहूंगा तो ये एक और पार्ट पे आप बताइएगा, अरविंद बचाने का, ठीक है अरविंद केजरीवाल।